सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टारगेट जेके एग्जाम्स विच इज़ ऑलवेज वन स्टेप अहेड। सो अभी तक हमने पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर जो सेकंड था उसको डिस्कस करा था, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ तक अभी तक लगभग 120 से लेके 150 idioms और phrases को कवर करा है। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट नंबर थ्री, और इस पार्ट नंबर थ्री के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट idioms और phrases को हम कवर करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, डेफिनेटली उन एग्ज़ाम्स को जाने से पहले एक बार इन सभी पार्ट्स की अच्छे से रिवीजन ज़रूर कर दें, बिकॉज ये जितने भी idioms इनके अंदर इंक्लूड करे गए हैं वो अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको देखकर अपडेट करे गए हैं। डेफिनेटली उनके देखकर यहाँ पे आप सभी के लिए ये लेक्चर्स ब्रॉड करी गई हैं, तो इन लेक्चर्स का आप सभी भरपूर फ़ायदा उठाएं। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर मच टाइम, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट गो फॉर परचेजिंग एनी कोर्स, किसी भी कोर्स के लिए आप अगर देखना चाहते हैं या आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप टारगेट जेके एग्ज़ाम करके हमारे पास अपना ऐप भी है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप टारगेट जेके एग्ज़ाम लिखे वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपके पास काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस के अंदर आपके लिए कोर्सेज हमने रखे हुए हैं, डेफिनेटली जो आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेंगे। और idioms और phrases की भी आपको यहाँ पे जो idioms और phrases के जो आपकी PDF फॉर्मेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, आप सभी को इनके नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ पे इनके नोट्स नहीं बनाने हैं। एक बार आपको इन लेक्चर्स को गो थ्रू करना है, डेफिनेटली एक बार अच्छे से लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, और एक बार मेरे साथ भी इनको बोलना है, और उसके बाद आपको डेफिनेटली इसकी जो PDF आपको मिलेगी इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें, डेफिनेटली एक बार फिर से लेक्चर्स को देखें। सो दैट इज़ इनफ फॉर यू ऑल, आप इतना ही इसे करें, डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल होगा वो काफ़ी डीप हो जाएगा, डेप्थ में हो जाएगा। सो फर्स्ट idiom हमारा यहाँ से, जो फर्स्ट idiom है हमारा यहाँ से वो है कीप योर चिन अप। अब यहाँ पे कीप योर चिन अप का मतलब सिंपल से अगर आपको मैं बताऊँ, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें आपका आप, तो इसका मतलब है रिमेन चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी अगर आपके पास कोई सिचुएशन अच्छी ना हो उस सिचुएशन में भी आप जब आप क्या रहते हैं खुश रहते हैं, यानी यू फील पॉजिटिव एट द पार्टिकुलर सिचुएशन ऑफ यू नो दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो उसको आप कह सकते हैं कि कीप योर चिन अप। देखो जब आपको लगे आपका फ्रेंड अगर सपोज करो कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर है, सो एट दैट टाइम आप उसको कह सकते हो हे फ्रेंड डोंट वरी कीप योर चिन अप, यानी यहाँ पे स्टे पॉजिटिव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका एक और आप सिंपल सा मतलब रख सकते हैं, कीप योर चिन अप का मतलब होता है स्टे पॉजिटिव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप इसको लिख लें अगर अपने नोट्स आप बना रहे हैं। उसके बाद है आज की सेकेंड idiom हमारी टू पुल ऑल लेग्स इन वन बास्केट, यानी पूरा प्रयास एक जगह पे लगाना। टू पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है कि सारी जो आप कोशिश कर रहे हैं किसी एक चीज पे लगाना। इसका मतलब है डोंट डिपेंड ऑन वन प्लान और आइडिया फॉर सक्सेस, यानी कभी भी आप किसी चीज़ के लिए, इसका एक दूसरी सेंस भी निकलती है कि जब आप किसी, सपोज करो ये इमेज आपको काफ़ी कुछ क्लियर करेगी, इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी हैविंग ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज, जिससे आप कोई एफर्ट्स अपने कर रहे हैं लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी होने की है वो काफ़ी कम है। जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये जो है वो सारे के सारा एफर्ट कर रहा है कि इस टोकरी के अंदर ही सारे के सारे यानी एग्स आ जाएं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम क्या करते हैं कि जब हम अपना आपको भी ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं जहाँ पे हमें लगे कि इसका जो रिजल्ट है हमें काफ़ी कम मिलने वाला है, बट स्टिल वी आर पुटिंग एन एफर्ट्स। इसका मतलब है आप किसी, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहा है और दूसरे एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम आप उनको कह सकते हो कि आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ट्राई करें, मे बी आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए। एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली से हिम अ हर डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी पूरा का पूरा जो एफर्ट है कोशिश है सिर्फ आप एक ही काम पर मत लगाओ, दूसरे काम को भी देखो, दूसरे आइडियाज़ को भी देखो, तब जाके आपका क्या होगा, आपकी जो सक्सेस है वो आपको मे बी मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे idiom है evolve in sheep's clothing, अगर आप इसको अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर इसकी बात करें इसका मतलब होता है भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी दिखता कुछ है और अंदर से है वो कुछ। evolve in sheep's clothing का मतलब होता है a dangerous person pretending harmless,
इन्हें एक बहुत ही खतरनाक इंसान जो आपको ऐसा दिखा रहा है कि वो कोई भी यहाँ पे उसको कोई भी नहीं। जैसे देखो ये भेड़ की खाल में अंदर से है भेड़िया, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये भेड़िया आपको देखने को मिल रहा है वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। तो यहाँ पे आपको मतलब कि बाहर से तो ये बंदा ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई भी ये हार्म नहीं पहुँचा सकता, यानी ये काफ़ी पोलाइट इंसान है। यानी जब आपको कोई समवन और या कोई फिर चीज़ की भी बात करे ऐसी लगे कि ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो अच्छी नहीं होती है। जैसे आपका फ्रेंड आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चापलूसी कर रहा है, फ्लैटरिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, लेकिन यू नो एग्जैक्टली कि उसके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। आपके लिए वो प्लानिंग कैसी कर रहा है, कि आपको गिराने की सोच रहा है या कि आपको उठाने की सोच रहा है। अगर सपोज करो कोई इंसान हमारे सामने काफ़ी अच्छा दिखता है, इट मीन्स लेकिन वो अच्छा है नहीं, इसका मतलब वो क्या है, वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, इसका मतलब है भेड़ की खाल में वो भेड़िया है। उसके बाद यहाँ पे एक नई ईडियम है हमारे पास, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को अपना कोल्ड शोल्डर देना। अब आप बोलोगे ठंडा जो शोल्डर है वो देना, इट डजेंट मीन, इसका मतलब है आप किसी को जब जानबूझकर इग्नोर करते हैं उसको कहते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। जैसे यू आर गिविंग मी द योर कोल्ड शोल्डर या ही इज़ गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर, इस तरीके से वो उसको इंटेंशली इग्नोर कर रहा है। यानी जानबूझकर किसी को जब हम इग्नोर करते हैं एट दैट टाइम वी कैन यूज़ दिस ईडियम, तभी जाके हमारी जो अच्छी एक स्पीकिंग स्किल भी बन सकती है एंड डेफिनेटली फॉर पॉइंट ऑफ यू नो एग्ज़ाम अगर इस बात को लें तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप उसको जानते नहीं, यानी एक अनफ्रेंडली वे में जब आप किसी को ट्रीट करते हैं, किसी के साथ बिहेव करते हैं, तब आप इस ईडियम का यूज। अब यहाँ पे ईडियम है हमारे लिए मिस द बोट। अब मिस द बोट का मतलब क्या होता है कि एक अवसर गवा देना। जैसे आप सपोज करो आप बोट के थ्रू या शिप के थ्रू कहीं, सपोज करो आप इंडिया से श्रीलंका जा रहे थे, बट यू वर नॉट देयर एट टाइम, आप टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, नहीं पहुँच पाए थे किसी कारणवश, डेफिनेटली आपने वो आपकी जो कश्ती थी वो चला गई, इट मीन्स यू मिस द बोट। इसका मतलब होता है कि अवसर गवा देना। अगर आप हिंदी के अंदर या अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें सो यू कैन जस्ट गेट इट थ्रू लाइक कि अवसर गवा देना, आपके पास कोई मौका था लेकिन आपने उसको गवा दिया। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी बाई नॉट टेकिंग एक्शन क्विकली, आपने उस काम को जल्दी से नहीं किया इसीलिए आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया, अवसर गवा दिया। सपोज करो अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे थे और एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है, अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करें या क्लास टेस्ट की बात करें, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सी चिट भी मिल जाती है इधर उधर से। अब यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि यार मैंने तो तेरे को दी थी बट तूने अपॉर्चुनिटी गवा दी, तू दूसरों की हेल्प करने लग गया। इस तरीके से अवसर को गवा देना, आई मिस्ड द बोट, मैंने अवसर गवा लिया था, या आई एम मिसिंग द बोट, मैं अवसर गवा रहा हूँ, इस तरीके से आप यूज़ करें। जैसे ये बोट की एक एग्जाम्पल आप सभी को याद रखनी है कि एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ करना, यानी थोड़ा स्लो एक्ट करना या स्लो जब हम किसी काम को करते हैं, लेकिन जो उसका मेन काम था, जो अपॉर्चुनिटी थी उस काम को करने की, गवा देनी। इसका मतलब यू हैव मिस्ड द बोट। सपोज करो यहाँ पे अभी सॉन्ग कंपटीशन चल रहा है और यू आर ए गुड सिंगर, आपको यहाँ पे एडवाइस करा जा रहा है या आपको यहाँ पे स्टेज पे बुलाया जा रहा है, बट सम हाउ यू वर नॉट एबल टू गो देयर ऑन द स्टेज, आप स्टेज पे नहीं पहुँच पाए थे, इट मीन्स आपने जो अवसर आपको दिया जा रहा था आपने वो अवसर गवा दिया, इट मीन्स यू हैव मिस्ड द बोट। उसके बाद है ईडियम ए डैम ए डजन। ए डैम ए डजन का मतलब क्या होता है, देखो आप सभी को ये वाला जो ईडियम है काफ़ी समझना, क्योंकि इसको मैंने देखा 2 से 3 एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है। ए डैम ए डजन का मतलब क्या होता है, ए डैम ए डजन इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉमन जब चीज़ कोई हो जाती है जो एक स्पेशल ना हो। क्योंकि सपोज करो ए भाई साहब यहाँ पे वाई के घर पे ऑफ्टन विजिट करते हैं, बार बार या विजडम करते हैं, उसी तरीके से बी जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, यानी साल में सिर्फ एक बार ही विजिट करते हैं, तो ये यहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन हुआ, ए, यानी जो बार बार विजिट करता है। यानी ए डैम ए डजन का मतलब होता काफ़ी कॉमन, जो अब स्पेशल ना रहा हो, जो अब यूनिक ना रहा हो, उसको ए डैम ए डजन कहते हैं। यानी इसका मतलब है कोई इजिली नहीं मिलता, उस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर अभी सपोज करो कि आप बोलोगे सर आपकी एज क्या है, मैं बोलूँगा बस शादी की एज हो गई है, लेकिन बट फ्रेंड फाइंडिंग गुड पार्टनर इज नॉट ए डैम ए डजन। यानी इसका मतलब ये है कि आजकल कोई अच्छा पार्टनर या गुड पार्टनर ढूंढना
मीन्स कोई कॉमन बात नहीं है, कोई अब यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ नहीं है, या इस तरीके से भी आप इसको सेंस में ले सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको सेंस में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा, जो स्टूपिड पीपल होते हैं, जो स्टूपिड लोग होते हैं, आर ए डाइन ए डजन, यानी काफ़ी कॉमन हो चुके हैं अब आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी स्टूपिड पीपल आर ए डाइन ए डजन, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें आपको शुरू में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, यानी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको शुरू में आपको बहुत अच्छी नहीं, बहुत ख़राब लग रही थी, लेकिन उसका रिजल्ट फाइनली आपको काफ़ी अच्छा मिला। तो इसका मतलब होता है ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको शुरू में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये idioms भी पूछा गया, होप सो, अगर आपने JKPSI का देखा था तो आई थिंक कि वो वहाँ पे मैंने किसी वीडियो के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर देखा था कि ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये idiom करके किसी शिफ्ट के अंदर आया था, इसीलिए इस प्रकार के idioms आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कोई चीज़ आपको शुरू में काफ़ी ख़राब लगती थी कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा, बट एंड रिज़ल्ट अगर आप उसका देखें तो आपको इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। यानी पहले कुछ चीज़ अपीयर हो रही थी काफ़ी बैड, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। उसके बाद है लीन एंड मीन। देखो लीन एंड मीन ये भी इम्पॉर्टेंट idiom है और ऑफ्टन यहाँ पे बार बार साल में एक से दो एग्ज़ाम्स के अंदर आपको देखने को ही मिलता है। इसका मतलब होता है, लीन एंड मीन का मतलब होता है काफ़ी एफिशिएंट जो इंसान होता है उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। यानी लीन एंड मीन का मतलब है काफ़ी एफिशिएंट, यानी कैपेबल एंड रेडी फॉर वर्क हार्ड, या एफिशिएंटली जो वर्क करता है। जैसे यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊँ, कि इसका अगर एक लीन एंड मीन का मतलब होता है, यानी फिट एंड रियली फॉर हार्ड वर्क, यानी जो आपको लगे कि एक ऐसा फिट है और वो रेडी है किसके लिए, हार्ड वर्क के लिए भी रेडी है। जैसे सपोज करो, जिन लोगों ने अभी COVID-19 के थ्रू वो अपने आप को जो साहस बनाए रखा है या उस COVID-19 को फेस करके आए, डेफिनेटली वो अभी काफ़ी अच्छे तरीके से लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो घबरा गए, जो जिनका यानी कहाँ पे किसी भी प्रकार के उनको यहाँ पे या मेंटल डिप्रेशन हो गया या डिप्रेस्ड हो गए, तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी टफ रहा होगा। तो एफिशिएंट का मतलब होता काफ़ी काबिल, और जो हमेशा हार्ड वर्क के लिए रेडी रहे और या एफिशिएंट वर्क के लिए रेडी रहे, उसको आप लीन एंड मीन कहते हैं। यानी रेडी होना, एबल होना या विलिंग टू वर्क हार्ड, सिंपल सा आपको लीन एंड मीन से ये भी समझ सकते हैं कि विलिंग टू वर्क हार्ड, या फिर आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अचीव द डिज़ायर रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट सोचा था, जो आपने एक्सपेक्ट करा था अपने आप से, वो आप रिजल्ट को अचीव कर रहे हैं एक एफिशिएंट मैनर में, तब उसके लिए आप लीन एंड मीन का यूज़ कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, रेडी, एबल, विलिंग टू वर्क हार्ड, अचीव द डिज़ायर रिजल्ट इन एन एफिशिएंट मैनर, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टू रेस आईब्रोज। अब देखो यहाँ पे आईब्रोज को हम रेज कब करते हैं, इस प्रकार के आईब्रोज हम रेज करते हैं जब आपको लगता है कुछ चीज़ आपको सरप्राइज करे, कोई जब आपको कोई शॉक लगता है। क्या, जैसे सपोज करो अभी इस idiom को इस तरीके से हम समझेंगे, टू रेज आईब्रोज का मतलब है टू कॉज सरप्राइज आर ए शॉक, या रिएक्टेड विद सरप्राइज आर माइल्ड डिसअप्रूवल। जैसे कैसे, जैसे मैं बोलूँगा ही रेज्ड आईब्रोज व्हेन आई वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट इन ए समर ड्रेस ड्यूरिंग विंटर। आप सभी को पता है आजकल सर्दियों का टाइम चल रहा है, और इन सर्दियों के टाइम में सपोज करो कि मैं अगर गर्मी वाले कपड़े लेकर कर गलियों में घूमूं, या बाहर बर्फ पड़ रही है तो मैं एक शर्ट के अंदर गलियों में घूमूं, तो डजेंट इट विल सरप्राइज यू, डेफिनेटली इट विल सरप्राइज यू, इट विल मेक यू सरप्राइज कि मैं ये कैसे है, अचंबा हो जाता है। यानी सरप्राइज जब हो जाता है कुछ चीज़ से, तब आपको आईब्रोज क्या आप ऊपर हो जाते हैं। अगर अभी भी अगर थोड़ा सा आप एक्टिंग करेंगे ना, तो अभी आप इस idiom को इजिली गेट कर सकते हैं। इफ़ यू विल डू लिटिल बिट सरप्राइज और इफ़ यू विल रिएक्ट लिटिल बिट नाउ, सो आपको यहाँ पे इस idiom की समझ काफ़ी अच्छे से आ सकती है। जैसे अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ यहाँ पे, यानी आजकल जो लोग हैं, यानी अगर आप पीपल की बात करें, यानी किसी और की बात करें, तो जो स्कैंडल होते हैं वो रेज्ड आईब्रोज ऑल ओवर टाउन, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, उससे आई होप इसको समझ आ जाएगा। यानी नो वन रेज्ड एन आईब्रो, यानी किसी को शॉक नहीं लगा, किसी कोई सरप्राइज नहीं हुआ,
जब मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी. इट मीन्स नो वन रेज्ड एन आईब्रो व्हेन आई क्विट माय जॉब बिकॉज दे डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन माय जॉब. उनको कोई भी रुचि नहीं थी मेरी जॉब में. उसके बाद यहाँ पे है चीप एज चिप्स, यानी इतना सस्ता कि चिप्स के तरीके से सस्ता, यानी चिप आपको चिप्स 10 की 20 की आपको मिल सकती है. यानी काफ़ी जब कोई चीज चीप हो या अफोर्डेबल हो, इट मीन्स हम आप जो पोर लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, उसको अफोर्ड कर पाए, यानी जो एक्सपेंसिव ना ज़्यादा हो, यानी काफ़ी सस्ती हो, तो उसके लिए आप इस idiom का चीप एज चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से भी आप इसका याद रखें कि चीप एज ए चिप्स इस तरीके से, जैसे वेरी चीप, आप बोलोगे दिस पेन इज़ वेरी चीप, इट इज़ एज चीप एज चिप्स, इस तरीके से आप इसका यूज़ करें. जैसे आप बोलोगे सर आपके नोट्स, आपके नोट्स ये मिले हैं, ये क्या क्या कितने के हैं सर, कितनी यहाँ पे इसके लिए आप हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, तो मैं ये आपको कहूँगा माई नोट्स आर एज चीप एज चिप्स, इट्स वेरी अफोर्डेबल, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दीज नोट्स बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल. जब कोई चीज़ काफ़ी सस्ती या आप उसको खरीद सकते हैं, उसको आप कहते हैं चीप एज चिप्स. उसके बाद यहाँ पे हेरुक्लेन टास्क, हेरुक्लेन टास्क का मतलब होता कोई ऐसा जॉब या टास्क जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, जिसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे, काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े, उसको आप हेरुक्लेन टास्क कहते हैं. यानी एक डिफ़िकल्ट टास्क, सिंपल सा आपको इससे याद रखना है, कोई जॉब जो काफ़ी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो उसके लिए आप कह सकते हैं हेरुक्लेन टास्क. मैं बोलूँगा मेकिंग वीडियो फॉर यू ऑल इज़ ए हेरुक्लेन टास्क, या टीचिंग ऑनलाइन इज़ ए हेरुक्लेन टास्क, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है ह्यू एंड क्राई, यहाँ पे है ह्यू एंड क्राई. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है, यानी जब आप एक पब्लिक का, आपको पता है गुस्सा जब फूटता है, जब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, सपोज करो कि अभी हम किसी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, यानी जब पब्लिक एक गुस्सा दिखाती है, एंगर दिखाती है या प्रोटेस्ट करती है या किसी चीज़ के लेकर वो डिसअप्रूवल दिखाती है, उसको आप कहते हैं कहेंगे ह्यू एंड क्राई. तब आप उसको क्या कहेंगे, ह्यू एंड क्राई कहेंगे. इस तरीके से आपको देखना यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, इट मीन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल डूइंग प्रोटेस्ट. सो द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई ओवर द ट्यूशन इंक्रीज. जैसे ही ट्यूशन इंक्रीज हुई है तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ट्यूशन इंक्रीज का मतलब जो फीस अभी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे उसके खिलाफ ये क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं, डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए. यानी जो यहाँ पे एक दो तीन चार से ज़्यादा लोग यहाँ पे मिलकर किसी एक इशू के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इट मीन्स दे आर मेकिंग ह्यू एंड क्राई ऑन दैट पार्टिकुलर मैटर. उसके बाद यहाँ पे है ए कॉक एंड बुल स्टोरी. ए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है इधर उधर की कहानी बना लेना, इन ऐसी कहानी सुनाना जो तो थी ही नहीं. सपोज करो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें कोई भी आके ऐसी कहानी सुना देता था जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या ना ही वो रियल में एग्जिस्ट करी थी कभी. यानी ऐसी कुछ स्टोरी सुनाना या एक्सप्लेनेशन सिखाना जो सच हो ही ना, यानी स्पेशली जब आप किसी को एक्सक्यूज देते हैं. जैसे अब यहाँ पे इससे मैं आपको एक और एग्जांपल सुनाऊँ तो क्या सुनाऊँ, जैसे देखो एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि नहीं, आई हैव माई GF. मैंने एक बार अपने GF को कहा कि लेट्स मीट टुडे, चलो आज मिलते हैं, और वो उस दिन मेरे को मिली नहीं. सेकेंड डे जब उसको मैंने पूछा वाई डिडंट यू कम यस्टरडे एंड डू यू नो व्हाट शी टोल्ड मी सम कुक एंड बुल स्टोरी. उसने मेरे को इधर उधर की कहानियाँ सुना दी और उसने कहा कि मेरी कार जो थी वो ख़राब हो गई थी इसलिए मैं ना आ पाई. इन इट मीन्स शी टोल्ड मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हर कार ब्रेकिंग डाउन. इसका मतलब है कि उसकी कार ख़राब हो गई थी. कार ख़राब होने को कहते हैं कार ब्रेक डाउन हो जाती है, इसका मतलब टूटना नहीं खराब हो जाना होता है. उसके बाद है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी आपको बात करें कि ये झगड़े की जड़, जिसको आप कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, उसको कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. सपोज करो यू हैव ए चॉकलेट, बट आपकी सिस्टर को भी चॉकलेट चाहिए या आपसे जो छोटी है उसको भी चॉकलेट चाहिए. इसका मतलब चॉकलेट यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, चॉकलेट इज़ हियर एन एप्पल ऑफ
डिस्कॉर्ड, यानी एक कोई जब झगड़े की कोई सोर्स हो जाए या किसी ट्रबल की या किसी मुसीबत का जब कोई सोर्स हो जाए उसको आप एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं। जैसे एक पीस ऑफ लैंड की बात करें, यानी यहाँ पे पीस ऑफ लैंड की बात करें, नाउएडेज दिस पीस ऑफ लैंड इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन मी एंड माई ब्रदर, मेरे भाई और मेरे बीच में ये जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है ना, ये अभी झगड़े की जड़ है। या आप दूसरी एग्जांपल अपने डेली लाइफ से इसको उठा के समझ सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो एनसेस्टर्स प्रॉपर्टी है वो कभी कभी यहाँ पे ऑफ्टन ऐसा होता है कि भाइयों के बीच में या घरों के बीच में दो परिवारों के बीच में उसके लेकर झगड़े की जड़ वो बन जाती है और उसके बीच से उसके थ्रू यहाँ पे घरों में झगड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि द माई एनसेस्टर्स प्रॉपर्टी, मैं कहूँगा कि नाउ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग अस, यानी हमारे बीच में जो हमारे एनसेस्टर पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी थी वो अभी झगड़े की जड़ बन गई है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एकलीस हील, यहाँ पे एकलीस हील का मतलब है एक काफ़ी कमज़ोर पॉइंट हर किसी का होता है। जैसे सपोज करो स्पीकिंग फ्रेंच इज एकलीस हील फॉर मी, यानी ये मेरे कमज़ोर पॉइंट है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता, मैं हमेशा दूसरों के लिए सोचता हूं, इसीलिए माई सेल्फलेसनेस प्रूव टू बी माई एकलीस हील, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम सूरज है, एंड यू ऑल नो मे बी अबाउट सूरज की वो एक काफ़ी अच्छी टीचर है। सूरज इज़ ए ग्रेट टीचर, बट ही इज़ ओनली ए एकलीस हील इज़ दैट ही ऑलवेज लेट फॉर वर्क, वो हमेशा अपने काम के लिए देर रहता है। यानी एकलीस हील का मतलब होता है, यानी एकलीस हील का मतलब क्या होता है, एक वीक पॉइंट, एक वल्नरेबल पॉइंट, अपनी कमजोरी होना। एंड नाउ टुडे आपको इस वीडियो के एंड में, यानी इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताना है कि व्हाट इज़ योर एकलीस हील, आपकी एकलीस हील क्या है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे बताना है। उसके बाद है कमिट हैरी कैरी, कमिट हैरी कैरी यहाँ पे आपको बता दूँ ये जापान से रिलेटेड है। इन जापान वहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी को यहाँ पे यानी सेंटेंस टू डेथ दिया जाता है, यानी मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो यहाँ पे एक उनका एक रिलीजियस वर्ड होती है, स्वर्ड का मतलब होता तलवार होती है, जिससे वो क्या कर देते हैं, अपने आप को मार देते हैं। इसका मतलब होता है कमिट हैरी कैरी का मतलब होता है, यानी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर आपको क्या कर देना, सुसाइड कर देना, कमिट सुसाइड कर देना। उसके बाद है क्रीम ऑफ द टॉप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईडियम ये, इसका मतलब होता सबसे अच्छा, द बेस्ट ऑफ ऑल। सपोज करो यहाँ पे 10,000 लोग थे, उनमें से सिर्फ आपको ही सिलेक्ट करा गया बिकॉज यू वर द बेस्ट ऑफ ऑल, आप उन सभी में से अच्छे थे, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अच्छे से भी अच्छे थे। या आप बात कर सकते हो टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड की एग्जांपल आप अगर मैं आपको सुनाऊं, आप शायद रेसलिंग देखते हैं तो नाउडेज रोमन रेन हैज़ बिकम ए टॉप ऑफ द हेड, वो एक अभी टॉप ऑफ द हेड बन चुके हैं, यानी सबसे अच्छे। इट मीन्स टॉप ऑफ द हेड का मतलब है क्रीम ऑफ द क्रॉप। अब इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता दूध की सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो प्रीशियस थिंग होती है उसके अंदर जो उसकी क्रीम बनती है वही होती है, और वो टॉप पे आ जाती है। इसका मतलब है कोई अच्छा इंसान हो जा रहा है, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, या इसको आप प्रिविलेज्ड सोसाइटी भी कह सकते हैं, या अपर क्लास के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। यानी क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है द बेस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सिमिलर थिंग्स। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारी क्लास के अंदर एक राजू और दूसरा काजू दो फ्रेंड हैं, बट दे बोथ आर वेरी स्टूडियस, यानी काफ़ी पढ़ाकू हैं। इट्स यानी राजू एंड काजू आर द क्रीम ऑफ द क्रॉप इन माई क्लास। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, राजू काजू जो है वो क्रीम ऑफ द क्रॉप है मेरी क्लास में, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डिग डीप, डिग डीप का मतलब होता है काफ़ी गहराई में किसी चीज़ को जाँचना, यानी एक थोरो इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं उसको आप डिग डीप कहते हैं। जैसे किसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी डेप्थ में जाते हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, काफ़ी हार्ड ट्राई करते हो आप, यानी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करना जब आप किसी एक ही रिसोर्स के साथ, यानी सपोज करो आपके पास जितने रिसोर्सेज थे उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आप काफ़ी यहाँ पे एफर्ट्स पुट करते हो उस चीज़ को जानने के लिए। जैसे यू आर डिगिंग डीप फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, यानी आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ताकि आप इस एग्ज़ाम को पास कर दो। इट मीन्स यू आर डिगिंग डीप फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। उसके बाद है बैक सीट ड्राइवर। अब देखो बैक सीट ड्राइवर कौन होता है,
आप सपोज करो गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे कोई दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है और वो आपको बता रहा है ऐसे नहीं ऐसे चलानी, ऐसे नहीं ऐसे चलानी, यू नो बेटर, तो इसका मतलब वो आपको पीछे से चला रहा है, बैक सीट ड्राइवर के तरीके से वो काम कर रहा है। यानी ऐसा इंसान कार के अंदर जो आपको एक अनवांटेड या अननीडेड डायरेक्शंस देता है बैक साइड से, उसको आप कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। एग्जांपल है यहाँ पे, आप बोलोगे हे आई नो वेरी वेल व्हाट टू डू नेक्स्ट, डोंट बी ए बैक सीट ड्राइवर। इसका मतलब नहीं कि गाड़ी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जब कोई आपको ऐसी भी बात को बताए एग्जैक्टली यू नो व्हाट टू डू बट स्टिल ही आर शी इज़ गिविंग यू सजेशंस, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस idioms, आप तब इसको idiom phrase का use कर सकते हो कि don't be a backseat driver, I know what I am doing, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा डाउन टाइम का मतलब को डाउन टाइम से ही आपको पता लग जाता है कि एक यानी यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स टाइम हो जाता है, यानी काफ़ी यहाँ पे बेकार टाइम हो जाता है। सपोज करो यू आर जस्ट ऑपरेटिंग मशीन या यू आर ऑपरेटिंग लैपटॉप, बट आपकी लैपटॉप की आपकी मशीन की जो मशीनरी है वो ख़राब हो गई है, इट मीन्स यू आर टेकिंग रिलैक्स नाउडेज या यू आर टेकिंग रेस्ट, इसका मतलब है डाउन टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। डाउन टाइम का मतलब है जब आपके पास कुछ भी करने का ना, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर फ्री फ्रॉम योर वर्क, उसको आप डाउन टाइम कहते हैं। उसके बाद है वाइन एंड डाइन। अब यहाँ पे वाइन एंड डाइन का मतलब क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, इंटरटेन करना, किसी खाने के साथ, या जब आप किसी को एक्सपेंसिव खाना ऑफ़र करते हैं या कोई एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, उसको कहते हैं वाइन एंड डाइन। यानी किसी को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करना, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी करना, किसके साथ, सिर्फ खाने से, यानी खाने और पीने के साथ, उसको कहते हैं वाइन एंड डाइन। यू हैव मेड मी टुडे वाइन एंड डाइन। उसके बाद है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को और ये पूछा भी गया एक दो एग्ज़ाम के अंदर। अब यहाँ पे विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है, यानी आप किसी चीज़ को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सपोज करो आप मेरी सुजेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आप ये नहीं मानोगे कि सर की बात सही होगी या नहीं होगी, इट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग माई टॉक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी एक सस्पेक्ट के साथ, शंका के साथ, डाउट के साथ। मिसगिविंग का भी मतलब होता है जब आपको डाउट रहता है, आशंका जो होती है, शंका जिसको हम कहते हैं, यानी आपको डाउट है इस चीज़ पे, या डाउट, मिसगिविंग या डाउट आपस में सिनोनिम्स हैं, इसको भी आप याद रखें। यानी जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं डाउट के साथ, शंका के साथ, आप पूरे श्योर नहीं हैं, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, लेट्स एक्सेप्ट दिस थिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज़ गिवन मी अश्योरेंस ऑफ जॉब, उसने मेरे को जॉब की पूरी पूरी उम्मीद दिलाई है, बट आई एम टेकिंग दिस वर्ड्स या आई एम टेकिंग हिज वर्ड्स विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास नहीं है, मेरे को उस पर शक है कि वो देगा या नहीं देगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है, यानी आप किसी चीज़ पे जब आप कम्प्लीटली बिलीव नहीं करते हैं, जो आपको बोली गई है उस पर आप पूरा बिलीव नहीं करें, तो तब आप इसका कह सकते हैं इट्स आई टुक दिस थिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या आई टुक दिस थिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्राम सोप सूप टू नट्स, अब देखो यहाँ पे फ्राम सूप टू नट्स का मतलब होता है शुरू से लेके एंड तक। जैसे सपोज करो मेरा दोस्त था, उसने अभी रिसेंटली, आपको पता है कि UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, लेकिन जब मैंने उसको सजेशंस पूछी कि किस तरीके से स्ट्रेटजी के बारे में पूछा, किस तरीके से पढ़ना है, सो माई फ्रेंड हैज़ शेयर्ड हिज स्ट्रेटजी फ्राम सूप टू नट्स, यानी उसने शुरू से लेके एंड तक किस तरीके से इसके अंदर गो थ्रू करना है, किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, ही हैज़ शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स, यानी बिगिनिंग टू एंड उसने शेयर कर दिया। इन द सूप का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना, जैसे नाउडेज वी आर एक्सपीरियंसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज वी आर पुटिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर गेटिंग ए जॉब या गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, बट वी आर नॉट गेटिंग, इट मीन्स वी आर इन ए क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल कंडीशन वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन, उस सिचुएशन को आप यहाँ पे वी आर इन द सूप भी कह सकते हो। व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, जब मैंने अपने जॉब खोई, वी ऑल वर इन द सूप, हम सभी पूरे फैमिली की क्या थे, काफ़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आ गए, वी डिडेंट हैव मच मनी टू जस्ट यू नो जस्ट परचेज समथिंग, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। EDM है यहाँ पे नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है कि नॉट वट यू लाइक, वो नहीं जो आप पसंद करते हैं, वो नहीं है, दूसरा ही कुछ है आपको। जैसे आप सपोज करो मैं आपको यहाँ पे
आपको अभी इस कहानी एक सुनाता हूँ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि आर जो था वो बी का भाई था, सी का बेटा था और डी का यानी ग्रैंडसन था। तो आप बोलोगे सर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी का मतलब होता है कि ये मेरी समझ से परे है, इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी यानी ये मेरी समझ से परे है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर, इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी जो चीज़ आप जिसमें आप जो पसंद ना करें वो, तो आप बोलोगे नॉट वंस कप ऑफ टी, ये किसी भी इंटरेस्ट की बात नहीं है। इफ समथिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ थिंग दैट यू लाइक, वो उस प्रकार की चीज़ ही नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टू बी इन ए क्वैंडरी, टू बी इन ए क्वैंडरी इसका मतलब होता है एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर होना, इन ऐसी सिचुएशन जो आपको कन्फ्यूज़ करती है और तब आपको ये नहीं में सोचता है, इसका मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सोचना कि अब आगे क्या किया जाए। इन ए कन्फ्यूजिंग सिचुएशन आर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वेन एवर वैन यू फील नॉट टू डिसाइड एनीथिंग एल्स, वैन यू कांट डिसाइड एनीथिंग एल्स, वैन यू फील डिफ़िकल्ट टू डिसाइड वट टू डू वट नॉट टू डू, इस तरीके से जब भी आपको कुछ कंडीशन सिचुएशन फेस हो तो इट मीन्स यू आर इन ए क्वैंडरी सिचुएशन, क्वैंडरी सिचुएशन। एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज़ इन ए क्वैंडरी अबाउट विच जॉब शी शुड ऑप्ट, यानी आपके पास यहाँ पर उस लड़की को दो जॉब है। अब यहाँ पे वो एक क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उसको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सा जॉब लेना चाहिए और कौन सा जॉब नहीं लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन को कहते हैं क्वैंडरी कंडीशन। उसके बाद है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर से ही आपको पता चलता है कि ये क्या करता है, ये काफ़ी चीज़ों को ख़राब करता है। डिज़ास्टर यानी जब आप ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर का मतलब है जब आप किसी फेलियर के काफ़ी पास में हो, यानी वेन एवर यू आर वेरी क्लोज टू योर फेलियर एट दैट टाइम, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, ही इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, यानी वो लड़का फेलियर के काफ़ी पास है। यानी सपोज करो वो अभी इसका काफ़ी हो गया है, यानी काफ़ी उसके बातें होगी, अब देखो उसको यहाँ पे फेलियर मिलने वाली है, ही इज़ गोना इन लॉस, उसको अब लॉस होने वाला, इट मीन्स ही इज़ नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है All hands on deck, यानी पूरे के पूरे यहाँ पे deck पे hand होना, इसका मतलब होता है हर एक यहाँ पे आप सभी के लिए उपस्थित है, available है to help with the problem। Suppose करो A is facing a problem, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे एक ही help के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, available है, उसको कहते हैं there are, आप don't worry, you have all hands on deck, इसका मतलब आपके लिए आपके पास सब है जो आपको चाहिए आपकी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं, यानी everybody is working here together to complete a difficult task quickly, यानी इस difficult task को बहुत जल्दी से complete करने के हर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। उसके बाद है sit on the fence, अब किस तरीके से sit on the fence, चलो यहाँ पे इस example से समझते हैं। जैसे यह है he is sitting on the fence, इसको ये यहाँ पे ये condition है कि इसको ये नहीं लग रहा, जैसे अभी बात करें रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इंडिया इज़ सिटिंग ऑन द फेंस नाउ, इंडिया के जो कॉर्डियल रिलेशन है या इंडिया के जो रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ से सनफ्लावर के जो सीड है उसकी सप्लाई होती है, ऑयल की सप्लाई होती है, वीट की सप्लाई होती है, उसके बाद कुछ मिनरल्स भी वहाँ से सप्लाई किए जाते हैं या कुछ फ्यूल की तरीके से भी, और रशिया से भी, रशिया इज़ द वन ऑफ द यू नो नावे इमर्जिंग यूनी ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो इसलिए मतलब है कि नाउ वो किसी के अगेंस्ट जाके वोट नहीं कर सकती, इंडिया इज़ सिटिंग ऑन द फेंस नावे डेज, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई डिसीजन ना बना पाए, वेन समवन इज़ नॉट एबल टू मेक ए कम्प्लीट डिसीजन इन विच साइड ही आर शी शुड गो, जैसे यहाँ पे टू डिले मेकिंग ए डिसीजन, इन डिसीजन करने में डिले करना, देरी करनी, जब आपको कोई दो साइड से एक साइड चूज़ करनी हो, आपको नहीं आपके दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा है, या आपको सही से समझ नहीं आ रही कि किस सिचुएशन मुझे जाना चाहिए, इट मीन्स यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। सपोज करो यानी आप एक क्लियर चॉइस नहीं बनाते जब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, आप इसको अपने हिसाब से हम इसको जोड़ते हैं। यानी यहाँ पे आपका यहाँ पे एक एग्ज़ाम अभी है JKSSB का, दूसरा आपका है SSC का, बट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB सिंस 2020, 2020 से आप JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये SSC है, लेकिन SSC का अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं,
लेकिन आपकी डिज़ायर है कि आप एसएससी के एग्ज़ाम भी दो, एट दैट टाइम आपको ये सोचना है कि आप किस साइड जाएं, यानी यहाँ पे आप जेकेएसएसबी की ओर जाएं या एसएससी की ओर जाएं, तो यू आर नॉट एबल टू जस्ट चूज़ प्रॉपरली व्हाट टू डू नाउ, यानी यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, यानी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आपको ये समझ नहीं आ रही है कि कौन सी साइड मेरे को जाना चाहिए। बी इन द मायर, मायर का मतलब होता है काफ़ी ट्रबल में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। बी इन द मायर का मतलब होता काफ़ी ट्रबल सिचुएशन में होना, यानी एक दुखद सिचुएशन में होना, इन पेनफुल कंडीशन में होना, यानी कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो आपको आइडियल ना लगती है, यानी आपके अनुकूल नहीं है, वो आपके डिज़ायरेबल नहीं है, आप उससे बचना चाहते हैं लेकिन वो डिफ़िकल्ट है उससे बचना, या आपको यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, तो इसका मतलब वो आपके लिए है। कौन सी है? बी इन द यू आर इन द मायर कंडीशन, इस तरीके से भी हिज गोना बी इन द मायर कंडीशन, वो एक काफ़ी ट्रबल कंडीशन में जाने वाला है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और बी इन द रेड एक होता है जिसका मतलब ये होता है कि आप कर्जे में हैं। कर्जे में आप कैसे जाएंगे? जब आप काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देंगे, इतना पैसा आप स्पेंड करेंगे कि आप उतना कमाते भी नहीं हैं, यानी व्हेन यू स्पेंड मोर मनी देन यू अर्न, उस सिचुएशन को कहते हैं। जैसे टुडे माय एक्सपेंसेस हैज गोन अप वेरी हाई, आई एम इन द रेड कंडीशन, इट्स सीम लाइक दैट आई एम इन द रेड, इसका मतलब है कि मैं काफ़ी कर्जे में डूब गया हूँ, कर्जे में हूँ, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। विद बेटेड ब्रीथ, यानी यहाँ पे बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है एंजाइटी में होना, काफ़ी परेशानी में होना, काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड स्टेट में होना कि अब क्या किया जाए, यानी इन ए नर्वस एंड एक्साइटेड स्टेट एंटिसिपेटिंग व्हाट विल हैपन, यानी आप ये गेस कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, अंदेशा कर रहे हैं कि क्या होगा, इस तरीके से जब आपकी है तो वो आपके लिए कौन सी है? विद बेटेड ब्रीथ आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच नाउ, यानी सपोज करो एक ओवर में, यहाँ पे एक ओवर की गेम है, इन वन आवर यहाँ पे अभी 8 रन चाहिए, पहली बॉल पे विकेट चला गई, दूसरी पे 6 लग गया, तीसरी पे यहाँ पे अभी भी 2 रन चाहिए थे, फिर से विकेट चली, चौथी पे विकेट चला गई, पाँचवीं पे और एक बॉल में 2 रन चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए एक विद बेटेड ब्रीथ कंडीशन है, यहाँ पे यानी एक्साइटेड हैं आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन को एक बेटेड ब्रीथ कंडीशन कहा जाता है। योर नंबर इज़ अप, इसका मतलब आपका समय आ गया है, यानी आपका आर पार होने वाला है, यू आर अबाउट टू डाई या यू आर गोना डाई, यानी ऐसा फील जब होता है कि अब यहाँ से इसको कुछ ना कुछ हार्म तो होने ही वाला है। जैसे सपोज करें जब कोई हमारे साथ झगड़ा करता है, काफ़ी गुस्सेल, और वो क्या बोलता है, तेरा टाइम आ गया, टेंशन नहीं ले आप तू, यानी अब तेरा टाइम आ गया, तेरा अंतिम समय आ गया, उसको कह सकते हैं, या तेरा बैड टाइम शुरू हो गया, यूअर नंबर इज़ अप नाउ, टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज़ डूम्ड टू सफर ए डिज़ास्टर, जब किसी को कोई कंडीशन या डिज़ास्टर मीन्स या बुरा टाइम आने ही वाला है, या उस बुरे टाइम को वो फेस करने वाला है, इट इज़ वंस टाइम टू डाई या सफ़र, या उसको कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। सपोज करो आप किसी को आप पुनिश करते हैं, उसको बोल देते उससे पहले योर नंबर इज़ अप, अब आपके नंबर, अगर आप बात करें कृष्ण जो गॉड कृष्णा थे और उनके साथ साथ शिशुपाल की अगर कहानी आपने सुनी, उन्होंने कहा था कि मैं तेरे यहाँ पे जो 100 गुना होंगे वो माफ़ कर दूंगा, तो जैसे ही उसके 100 गुना पूरे हुए, 101 की ओर चला, तो तब कृष्ण ने कहा, गॉड कृष्ण ने कहा, योर नंबर इज़ अप, यानी अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, नाउ इट्स माई टर्न। उसके बाद है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब है कि दो खतरों के बीच में, यानी आगे कुआं पीछे खाई, जहाँ जाऊँ कहाँ मेरे भाई, बात ऐसी है कि आप यू आर इन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाए, यानी इट मीन्स यू आर इन टू डेंजर सिचुएशन, यानी सपोज करो अगर आप SSC के लिए पढ़ोगे, आप JKSSB के लिए पढ़ोगे, तो आपको समझ नहीं आ रही है किस के लिए पढ़े, इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ये एग्जांपल आपको, यानी ये आपके जो इमेज है काफ़ी कुछ क्लियर कर सकती है, ये डेविल है और आगे जाएगा तो पीछे जाएगा, तो यहाँ पे आपको यानी एक पानी दिख रहा है, यानी ओशन या सी या आप लेक या कुछ भी देख रहे हैं, तो वो जाए तो जाए कहाँ, ही कांट एस्केप फ्रॉम हियर, यहाँ से कहीं नहीं वो गायब हो सकता है। उसके बाद है लैंड मी योर ईयर, अब यहाँ पे लैंड मी योर ईयर का मतलब क्या है, टू लिसन टू समवन विद सिंपैथी, यानी काफ़ी किसी को ध्यानपूर्वक सुनना, बड़ी शांत से किसी को सुनना, किसी को केयरफुली सुनना, या किसी को पूरा ध्यान देना,
यानी लिसन केयरफुली, आप जब सपोज करो आप कभी स्पीच देने जाएं, उस स्पीच को देने से पहले आप एक बार ज़रूर ये अनाउंस कर दें, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ लेंड मी योर ईयर। इसका मतलब नहीं कि अपने कान काट के मुझे उधार दे दो, नो, इसका मतलब ये है कि आप मेरे को पूरे ध्यान से सुनो, आई एम गोना स्पीक समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद है कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कॉल ए स्पेड ए स्पेड है, यानी यहाँ पे स्पेड को स्पेड कहना, इसका मतलब है किसी चीज़ को फ्रेंकली कह देना, स्पीकिंग फ्रेंकली, या किसी को डायरेक्ट स्पीक कर देना। देखो यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग स्कूल के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है, और इसी तरीके से एक बार हमारे स्कूल में भी ये मीटिंग कंडक्ट करवाई गई। वहाँ पर मेरे पापा यानी मेरे फादर भी आए हुए थे, एंड आई वॉज़ वेरी डफर ड्यूरिंग माई स्कूल और स्टिल। तो वहाँ पर मेरे जो हेडमास्टर थे या जो मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे पापा को डायरेक्टली कह दिया, यानी वहाँ पर उनको डायरेक्टली कह दिया, क्लियरली कह दिया कि योर सन इज़ कॉलेज, योर सन इज़ यू नो जस्ट वेरी डफर, या योर सन इज़ वेरी यू नो वीक स्टूडेंट, इस तरीके से उन्होंने कहा। इट मीन्स ही कॉल ए स्पेड ए स्पेड, इसने उन्होंने डायरेक्टली किसी चीज़ को जब आप कह देते हो स्पीकिंग फ्रेंकली, लेट मी कॉल ए स्पेड ए स्पेड, यानी मुझे डायरेक्टली कह रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हैव ए लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब होता है, हैव ए लॉट ऑन योर प्लेट, हैव ए लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब है कि कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको पहले ही हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या आप एक टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बिजी हैं। इट मीन्स यू आर हैविंग ए लॉट ऑन योर प्लेट, आपके पास अभी बहुत कुछ है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, अब यहाँ पे शैग आप सभी के लिए नया होगा, एक शैग यहाँ पे एक बर्ड है जो ज़्यादातर सी ओशन के अंदर रहता है, पानी में रहता है। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक का मतलब है यानी अलोन रहना, लेफ्ट अलोन, सपोज करो चारों साइड से पानी है और यहाँ पे जो दूसरे आपके जो ग्रुप वाले आए थे वो तो दूसरे बोट के थ्रू, शिप के थ्रू निकल गए, एंड यू आर लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, आप अकेले बच गए। यानी जब आप पूरे क्राउड से अलग दिखे, अलग हो, तो उसको आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, इस तरीके से आगे करें। यानी लेफ्ट अलोन, समवन स्टैंड्स आउट इन ए क्राउड, यानी यहाँ पे 1000 बंदे थे, 1000 में से आप एक हो, यानी आप साइड में एक हो, तो इट्स लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, दे वॉक्ड फ्रॉम हियर, वो यहाँ से चला गया, एंड लेफ्ट में लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, जिस तरीके से वो पक्षी एक रह जाता है उस तरीके से आप यहाँ पे दिख रहे हो। उसके बाद है क्रैक द विप, क्रैक द विप का मतलब है कि आपको अपनी पावर, आपको जो आपकी अथॉरिटी है वो आपको यूज़ करनी है ताकि आपके साथ में जो इंसान है वो बेटर बिहेव कर पाए, काफ़ी हार्ड वर्क कर पाए। जैसे आपने कोई मिस्टेक करी और आपके बॉस ने आपको लताड़ा, ये लताड़ा का मतलब आपको पनिश करा और कहा डायरेक्टली, यानी यहाँ पे क्या करा, योर बॉस हैज़ क्रैक्ड द विप टू यू, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से काम करो, अदरवाइज आई विल फायर यू फ्रॉम हियर, आपको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, फायर कर दूंगा, फायर का मतलब नहीं गोली नहीं माना, आई विल फायर यू फ्रॉम हियर, इसका मतलब है कि मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा। आई एम 2 months बिहाइंड माई टारगेट, मैं अपने टारगेट से 2 महीने पहले चल रहा हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू क्रैक द विप, यानी मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा हर वर्ड, यानी जो काफ़ी ज़्यादा वर्क है वो हार्ड करूँगा या हार्ड वर्क करूँगा, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गए खेत, यानी इसका मतलब है अब अनहैप्पी सिचुएशन एक होना, जब आप किसी चीज़ के लिए अनहैप्पी होते हैं कि ऐसा नहीं होना था और अब वो दोबारा से हो भी नहीं सकता। जैसे सपोज करो आप एग्ज़ाम्स के अंदर देते, आपको क्वेश्चन सारे आते थे लेकिन आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, बट नाउ यू कांट गो एंड गिव एग्ज़ाम अगेन, यानी जो हो गया सो हो गया, अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब आपका जो सोचना, आपका चिल्लाना, बोलना किसी को, सारा का सारा ये यहाँ पे क्या है, व्यर्थ है, यानी कोई यूज़ में नहीं है, इसका मतलब है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। उसके बाद है बी ऑल एट सी, इसका मतलब एक कंफ्यूज स्टेट में होना, यानी कंप्लीटली आप जब सी में हो तो इसका मतलब यू आर नॉट इन ए गुड कंडीशन, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं बी ऑल एट सी। उसके बाद है यहाँ पे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सपोज करो फिर से मैं यहाँ पे JKSSB
और यहाँ पे एसएससी की एग्जांपल दूंगा, आप ये ईडियम्स और फ्रेजेस को जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये खाली आप यहाँ पे जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, दिस ऑल ईडियम्स आर गोना हेल्प यू इन योर एसएससी एग्जाम्स एज वेल एज इन योर अपकमिंग एग्जाम्स विच इज गोना कंडक्ट फ्रॉम जेकेएसएसबी साइड, तो उन सभी के लिए यहाँ पे ये हेल्प होने वाली है। इट मीन्स आप अगर इन ईडियम्स और फ्रेजेस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, यू विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी आप एक यहाँ पे एक्शन से दो टारगेट या दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स यू आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से आप दो पक्षियों को, दो बर्ड्स को मार रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक बार आप मेहनत कर रहे हैं, आपके कई ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, यानी कंप्लीट टू गोल्स एट ऑन्स, एक टाइम पे दो काम इकट्ठे करना। मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी यहाँ पे काफ़ी क्रिस्प में चीज़ें कर देना, डायरेक्ट आपको पॉइंट पे आ जाना, और जो डिटेल्स थी उसके बारे में उसको आप छोड़ देना। उसके बाद है नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, यानी यहाँ पे कोई भी एक मैनरफुल टॉक नहीं करना, एक रूड मैनर में बिहेव करना जब किसी के पास कोई मैनर्स ही ना हो। यू डोंट हैव ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ही डजंट हैव ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, उसके पास तो कोई मैनर्स ही नहीं है, यानी समवन हु हैज़ नो आर वेरी रूड मैनर्स, उसको आप कह सकते हैं ही डज नॉट हैव ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी। उसके बाद है स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, यानी लोहा गर्म है अब चोट कर दो, इसका मतलब ये है, यानी एक सही टाइम पे एक्ट करना, टू डू समथिंग इमिडिएटली व्हेन यू हैव ए गुड चांस ऑफ सक्सेस। सपोज करो आपको लग रहा है कि कल मैं कामयाब हो सकता हूँ, आज अगर मैंने आज रात पढ़ लिया तो यू विल डेफिनेटली बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप पूरी रात देर रात तक पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, सो इट मीन्स यू आर स्ट्राइकिंग व्हाइल द आयरन इज हॉट, इसका मतलब है किसी अच्छे टाइम को, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को भुना लेना, यानी स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, टू एक्ट ऑन द राइट टाइम, सही टाइम पे एक्ट कर जाना, उसके लिए आप इसका यूज़ है। वियर मैनी हैड्स, कई ज़्यादा हैड्स को पहना, इसका मतलब है कई ज़्यादा टास्क को लेना, टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, डू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एक टाइम पे, जब आप कई ज़्यादा टास्क को डिफरेंट टाइम पे करते हैं या नहीं एक ही टाइम पे करते हैं, उसको कहते हैं वियर मैनी हैड्स। आप बोलोगे सर यू आर टीचिंग हियर, यू आर टीचिंग ऑन योर ऑन प्लेटफॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म पे, सर यू आर वियरिंग मैनी हैड्स, इसका मतलब है एक टाइम के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क ले रहे हैं। जैसे शी वियर्स मैनी हैड्स, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही, टास्क ले रही, जैसे वो डॉक्टर भी है, म्यूजिशियन भी है और राइटर भी है, इसका मतलब एक से ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क को ले रही है, उसको मतलब शी इज़ वेयरिंग मैनी हैड्स। उसके बाद आज का यहाँ पे लास्ट ईडियम हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक और पार्ट के अंदर अभी ईडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ईडियम और फ्रेजेस का जो कम्प्लीट है वो हम कम्प्लीट कर देंगे, उसके बाद हम एंटोनियम्स और साइनोनियम्स के ऊपर चलेंगे और उसको भी देखेंगे। लास्ट ईडियम है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी हर एक क्लाउड की यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग देखने को मिलती है। कैसे? जैसे आपको एक ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है और आपको प्रिपरेशन करते रहना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आपके लिए अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम तो आएगा, बस ये आपको रखना है। सो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इवन इन डिफिकल्ट टाइम विल लीड टू बेटर डेज, आपको पता है कि जो बुरा टाइम होता है वही अच्छे दिनों की ओर लेता है, इसीलिए एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, अगर अभी बुरे दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। यू विल हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर बैड सिचुएशन, क्योंकि हर एक दिन, हर एक डिफिकल्ट टाइम एक अच्छा टाइम लाता है, तो इट मीन्स एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। सो डियर एस्पायरेंट्स, अगर आप अभी तक फिर से अगर आपने नहीं देखा तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा, जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो टारगेट जेके एग्ज़ाम करके यहाँ से ऐप डाउनलोड कर दे, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ क्रैश कोर्स अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी लॉन्च करे हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट इंक्लूड करा गया है, और जो कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प पहुँचाएगा। सो आप इसके साथ साथ अगर अभी आप FA फाइनेंस का जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट आपको चाहिए, तो मिनिमम प्राइसेस पे आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। JKPSC प्री एग्ज़ाम के आपके मॉक टेस्ट चाहिए तो उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे हमारे इस ऐप पे अवेलेबल है। उसके बाद आप विलेज लेवल वर्कर यानी पंचायत सेक्रेटरी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके भी आपको टेस्ट चाहिए हैं, तो वो भी यहाँ पे हमारे इस ऐप पे आपको
अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर इसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें। कैसी रही ये वीडियो ज़रूर अपना फीडबैक यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर दें। थैंक यू वेरी मच। लास्ट जो लेक्चर होगा idioms और phrases पे, वो कल होगा, तो आप वो भी अटेंड करें। एंड टिल देन हैव ए गुड वन अहेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, काफ़ी अच्छा लगता है। और प्रीवियस लेक्चर को अगर अभी तक नहीं देखा है उसको भी ज़रूर देख लें। सो थैंक यू वेरी मच। चाहे